सो हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करें। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में यहाँ पे दिया है स्ट्रिंग str इज इक्वल टू प्रोजेक्ट, तो मैं प्रोजेक्ट को नीचे यहाँ पे रिवर्स भी करके दिखा दिया हूँ। तो इसी का प्रोग्राम लिखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जावा स्ट्रिंग नाम से, इसी पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू क्लास को हम लोग बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लास का नाम मैं देने वाला हूँ स्ट्रिंग रिवर्स। तो अभी ऐसे बना सकते हैं प्रोजेक्ट, डायरेक्ट इस पर जाइएगा फाइल पे और वहाँ से प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसको इतना लिखने के बाद मैं पब्लिक स्टैटिक वाले को टिक कर देता हूँ ताकि लिखना ना पड़े। तो हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। ये मैं इक्लिप्स IDE पे कर रहा हूँ, तो आप लोग चाहे नोट पैड पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ एस इज इक्वल टू रवि, ठीक है। तो एक मैं सिंगल वर्ड लिया हूँ यहाँ पर और सेमी कॉलम। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स करने के लिए हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप लेते हैं हम। तो रिवर्स कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप में इंट i इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, ठीक है, जितना लेंथ है उससे एक माइनस कर देंगे और सेमी कॉलम। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i इज ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो, जीरो से i बड़ा होना चाहिए और बराबर, और फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट का लिख देंगे i माइनस माइनस। इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करने वाले हैं, और इसमें हम पास करने वाले हैं एस डॉट कैरेट मेथड, ठीक है। कैरेट एक मेथड होता है जो कैरेक्टर्स को प्रिंट कराता है, और इसमें i को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, और सेमी कॉलम, ठीक। फिर इसको हम रन कराते हैं और रन करा के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जाके हम लोग रन कराते हैं, तो देख सकते हैं नीचे यहाँ पे हमारा रिवर्स प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए अब एक सेंटेंस लेते हैं स्ट्रिंग में और उसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं क्या वो भी होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं IT प्रोजेक्ट वाला, और इसको हम रिवर्स करने वाले हैं, सेम मेथड रहेगा। और बस क्या करेंगे, यहाँ पर हम रन कर देते हैं, तो देख सकते हैं ये भी रन हो गया है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे println क्यों यूज़ नहीं किया है, तो println का अगर यूज़ करते तो नेक्स्ट लाइन में होता तो रिवर्स नहीं होता अच्छे तरीके से, ठीक है, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे println का भी यूज कर लेते हैं, तो देख रहे हैं आप लोग कैसा ऑड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए println का यूज़ नहीं करते, प्रिंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।